अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटी टेस्ट जो आज हो चुका है मलकंड बाजवड़ शांगना दिर अपर डिवीजन में। सो सीटी का पेपर जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे, उसमें से हम फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। बट वो क्वेश्चंस जो इस्लामियात का से रिलेटेड है, उर्दू से, पाक स्टडी से और इंग्लिश से, मैथ्स का पोर्शन और साइंस का पोर्शन जो है वो आपको आल टेस्ट प्रिपरेशन के दूसरे वीडियोज में जो है उसकी फुल एक्सप्लेनेशन और करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको दूसरे वीडियोस में मिलेंगे, ऑल टेस्ट प्रिपरेशन की दूसरी वीडियोस में। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हदीस की रूह से हर्फ सिर्फ अलिफ लामिम का लफ्ज पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं। ऑप्शन ए 10 नेकियां, ऑप्शन बी 30 नेकियां, ऑप्शन सी 20 नेकियां, ऑप्शन डी 70 नेकियां। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 30 नेकियां मिलती हैं क्योंकि अलिफ लामिम एक हर्फ नहीं बल्कि तीन हर्फ हैं। अलिफ अलग से, लाम अलग से और मीम अलग से। सो अलग से एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। सो ये तीन हर्फ हैं, सो तीन हर्फ से हमें 30 नेकियां मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन विच ईयर महाराजा रंजीत सिंह वाज क्राउंड। ऑप्शन ए 1802, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1801 एंड ऑप्शन डी 1809। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1801। 12 अप्रैल 1801 को महाराजा रंजीत सिंह ने क्राउन किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वार कैरिड आउट जॉइंटली अंडर द सुपरविजन ऑफ डिश एंड डिश इन 1920। ऑप्शन ए नेहरू एंड कादियाजम, ऑप्शन बी गांधी एंड मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन सी अलामा इकबाल कादियाजम एंड ऑप्शन डी नेहरू एंड मोहम्मद अली जौहर। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है गांधी एंड मोहम्मद अली जौहर। गांधी और मोहम्मद अली जौहर की सुपरविजन की वजह से जो है इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सारे मैथ्स रिलेटेड हैं। सो ये वाले पोर्शन जो है आपको आर टेस्ट प्रिपरेशन की दूसरी वीडियोस में मिल जाएंगे। सरनवीद जो है वो उन्होंने फुल एक्सप्लेनेशन और करेक्ट ऑप्शन जो है उसमें दी हुई है फुल सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द अदर फिलोसफी विच ब्लेंड विद रियलिज्म टू फॉर्म एसेंशियलिज्म इज। ऑप्शन ए प्रैग्मालिज्म, ऑप्शन बी एग्जिस्टेंशियलिज्म, ऑप्शन सी आइडियलिज्म एंड ऑप्शन डी मटेरियलिज्म। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो है फिलोसफिकल बिलीफ है जिसमें से हर एक रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्रिएटिंग पर्पस और मीनिंग इन आवर ओन लिव्स। सो इसमें से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कम्युनिस्ट बिलीव दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज। ऑप्शन ए ब्रिंग ऑल द रेस्ट टू अदर, ऑप्शन बी जो है इन द अल्टीमेट विक्ट्री ऑफ गुड, ऑप्शन सी है एवरीथिंग मस्ट बी थॉट द सेंसेस, ऑप्शन डी है टू शेप द ह्यूमन क्रिएचर इनटू एन इमेज ऑफ द डिवाइन। सो कम्युनिस्ट बिलीव करते थे उनका एम ऑफ एजुकेशन ये होता था कि शेप अबाउट एजुकेशन ये होता कि द गोल ऑफ डिवेलपिंग नॉलेज वर्च्यू एंड पिटी। और उसका उन्होंने फर्स्ट पिटी को प्लेस्ड किया था क्योंकि पिटी का मतलब है कि क्वालिटी ऑफ बींग रिलीजियस और रिवर्डेंट। सो इसके अकॉर्डिंग जो है ये ऑप्शन डी मुझे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है टू शेप द ह्यूमन क्रिएचर इन टू एन इमेज ऑफ द डिवाइन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अगर किसी लफ्ज को हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि हकीकी और मजाजी मानों में डिश के अलावा कोई और ताल्लुक पाया जाए तो उसे मजाज मुरसल कहते हैं। ऑप्शन ए इसम, ऑप्शन बी फेल, ऑप्शन सी तशबिया, ऑप्शन डी हर्फ। इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर किसी लफ्ज़ में को हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए तो उसे मजाजी मुरसल कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब तीर कच पड़ेगा तो लगेगा निशाना क्या। खत कशीदा लफ्ज के क्या मायने हैं। ऑप्शन ए तिरछा, ऑप्शन बी कांटा, ऑप्शन सी तेज एंड ऑप्शन डी नागवार। सो इसमें से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तीर कच पड़ेगा यानी तीर जब तिरछा पड़ेगा तो तिरछा यानी टेढ़ा लगेगा तो निशाना नहीं हटेगा, नहीं लगेगा। इसमें से तिरछा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मंदरज ज़ेल में से मुज़क्कर अल्फाज की निशानदही करें। ऑप्शन ए गुमा, ऑप्शन बी आताब, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी कुवत। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, पानी जो है वो मुज़क्कर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मदरज जेल में से शहीद मिलत किस शख्सियत को कहा जाता है? सो इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, लियाकत अली खान, ऑप्शन ए अलामा इकबाल, ऑप्शन बी सैयद रहमान खान एंड ऑप्शन डी है नवाब वकार। नवाब वकार पता नहीं आगे कुछ है, सही से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, लियाकत अली खान को शहीद मिलत कहा जाता है। ये और क्वेश्चन जो है ये साइंस और मैथ्स से रिलेटेड हैं, ये आपको ऑल टेस्ट प्रिपरेशन की दूसरी वीडियोस में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू ब्रनर टीचर्स डू नॉट नीड आ डिस्क्रिप्टिव थ्योरी बट दे नीड आ डिश, ऑप्शन ए प्रैग्मैटिक थ्योरी, ऑप्शन बी पर्सपेक्टिव थ्योरी, ऑप्शन सी प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी एंड ऑप्शन डी प्री डेस्टिनेशन थ्योरी। सो इसमें से बहुत ज़्यादा सर्चिंग करने के बाद मुझे ये ऑप्शन सी जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी मिली है, क्योंकि ब्रनर टीचर्स के अकॉर्डिंग जो है ब्रनर टीचर्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल उसे कहते हैं दैट विच इंडिकेट वट करिकुलम डिज़ाइनर्स शुड डू, और डिस्क्रिप्टिव उसे कहते हैं दैट विच डिस्क्राइब दैट वट करिकुलम डिज़ाइनर्स एक्चुअली डू। सो दे डू नॉट नीड अ डिस्क्रिप्टिव थ्योरी बट दे नीड आ प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नज़म एक आरज़ू में अलामा इकबाल का तर्ज बयान क्या है, ऑप्शन ए अदबी, ऑप्शन बी साइंसी, ऑप्शन सी मजहबी एंड ऑप्शन डी रूहानी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नज़म एक आरज़ू को जब उसकी कोई अलामा इकबाल की इस नज़म को जब कोई पढ़ता है सो ऐसा लगता है जैसे अलामा इकबाल अल्लाह ताला की कुरान मजीद की आयात की तिलावत कर रहे हों, सो मजहबी जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उर्दू में एक ही लफ्ज़ को दो बार एक साथ इस्तेमाल करने को तकरार कहते हैं, इससे किस चीज़ में इजाफा होता है, ऑप्शन ए महमल अल्फाज में इजाफा होता है, ऑप्शन बी अदब की वसत में इजाफा होता है, ऑप्शन सी जुमले में लफ्ज़ों का इजाफा होता है, ऑप्शन डी मानवीयत में इजाफा होता है। सो तकरार का मतलब है कि एक ही लफ्ज़ को दोबारा दोबारा पढ़ना, तो इससे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, मानवीयत में इजाफा होता है, यानी वो टॉपिक जो है वो आपको जब हम आप रिपीट बार बार उसे पढ़ते हैं तो आपको उसकी मानी और वो सारा टॉपिक जो है वो आपकी समझ में आ जाता है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह 1762 में देश के दौर में वफात पा गए, ऑप्शन ए वलीद बिन अब्दुल मलिक, ऑप्शन बी शाह आलम अव्वल, ऑप्शन सी शाह आलम सानी, ऑप्शन डी सलमान बिन अब्दुल मलिक। तो इसमें से शाह आलम सानी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी शाह आलम सानी जो है वो 18वीं मुग़ल एम्पीरियर थे और आलमगीर के बेटे थे। ये किसके बादशाह थे, दिल्ली के बादशाह रह चुके हैं और इन्होंने जो है 10 अक्टूबर 1760 से 1788 तक जो है इनकी हुकूमत दी, यानी 1760 से 1788, 10 अक्टूबर 1760 से लेकर इनकी हुकूमत जो है 31 जुलाई 1788 तक इनकी हुकूमत रही। सो इसमें से 1762 में जो है हज़रत शाह वलीउल्लाह की वफ़ात हो गई, तो वो दौर जो है हज़रत शाह आलम सानी का था, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, हाउ मेनी प्रोविंसेस शाहजहां वाज द किंग ऑफ, शाहजहां जो है वो कितने प्रोविंसेस के बादशाह थे, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 22 एंड ऑप्शन डी 26। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 22 प्रोविंसेस के शाहजहां जो है वो बादशाह रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि दस्तक मिर्ज़ा अदीब का शाहकार देश है, दस्तक ड्रामा दस्तक जो है वो ऑप्शन ए अफसाना, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी नावल, ऑप्शन डी दास्तान। सो दस्तक जो है वो एक स्टेज ड्रामा है, ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये NO2 है। अगर NO2 हो या NO हो दोनों जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं, सो इसमें से SO3 जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, बाकी SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड कॉक्स सॉक्स और नॉक्स ये तीनों जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, SO3 जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एसिड आर यूज टू मेक एक्वारिजिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल मेटल्स कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट, ऑप्शन ए प्लैटिनम इरिडियम सिल्वर, ऑप्शन बी प्लैटिनम पैलेडियम इरिडियम
ऑप्शन सी सिल्वर, ऑस्मियम, इरिडियम, ऑप्शन डी प्लेटिनम, पैलेडियम एंड गोल्ड। सो नोबल मेटल्स में से प्लेटिनम, पैलेडियम और गोल्ड जो है वो ऐसे नोबल मेटल है जो एक्वेरियम में जो है वो डिसॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज कॉमनली नोन एज इप्सम साल्ट। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट एंड ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो हमारे पास जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है, और ये फॉर्मूला है इप्सम साल्ट का जिसमें से मैग्नीशियम सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि एंड ऑल डे लॉन्ग द सन प्लीज हाइड एंड सीक विद द शैडोज, व्हिच फिगरेटिव डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएटिक लाइन। ऑप्शन ए सिमिली, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन एंड ऑप्शन डी एलिट्रेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर प्लेइंग जो है ये ह्यूमन क्वालिटी है, और ये प्लेइंग जो है ये हमारे पास क्वालिटी है ह्यूमंस की, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो खेलते हैं। सो ह्यूमन की क्वालिटीज़ को जब हम किसी और नॉन लिविंग सब्सटेंस से कंपेयर करते हैं तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इन ह्यूमन क्वालिटीज़ को किसी और नॉन लिविंग सब्सटेंस से को दे देते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो सन जो है प्ले हाइड एंड सीक विद द सन विद द शेडो, अब सन जो है वो शेडोज के साथ खेल नहीं रहा, लेकिन ह्यूमन की क्वालिटीज़ जो है वो इसे दे दी गई हैं, सो इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। नंबर 39 है कि माहा ईट्स एन एग डेली, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। ऑप्शन ए एक्शन वर्ड, ऑप्शन बी वर्ब, ऑप्शन सी नाउन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो ईट्स जो है हमारे पास एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी एक्शन को, और ईट्स वर्ब भी है, ये तो आपको पता होगा वर्ब तो है और एक्शन वर्ड भी है। एक्शन वर्ड में हमारे पास आ जाता है स्टडी ईट, स्टडी ईट जो है ये सारे वर्ड जो है, और वर्क, तो ये सारे वर्ड जो है वो एक्शन वर्ड्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। सो हमारे पास ईट जो है वो बोथ ए एंड बी है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है कि द वर्ड केट इज द डिश ऑफ द वर्ड एक्ट। ऑप्शन ए एनाग्राम, ऑप्शन बी सिलेबल, ऑप्शन सी इंटोनेशन, ऑप्शन डी होमोनिम। सो एनाग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। एनाग्राम उसे कहते हैं कि किसी वर्ड की अल्फाबेट्स को हम रीअरेंज करके उससे एक नया वर्ड बन जाए तो उसे कहते हैं एनाग्राम। सो केट में से सी ए टी है, इस सी ए टी को हमने अरेंज करके ए सी टी बना दिया तो ये बन गया एक्ट। सो केट और एक्ट जो है वो एनाग्राम है, यानी नेम फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर, यानी केट और एक्ट, केट और एक्ट इनकी दोनों की वर्ड की हमने अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट कर दी और इसे हमारे पास एक दूसरा वर्ड बन गया, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पार ये बन जाएगा रास। तो इसमें भी फोर अल्फाबेट्स हैं, इनकी हमने अरेंजमेंट कर ली और ये अरेंजिंग कर ली और से हमारे पास दूसरा वर्ड आ गया, सो इसे कहते हैं एनाग्राम। इस टाइप के वर्ड्स को कहते हैं एनाग्राम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं सिटी पेपर के 20 क्वेश्चन विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।